नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमेडी जगत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले राजू श्रीवास्तव की। जी हाँ, आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव की हालत एक बार फिर से गंभीर हो गई है। जिस तरह से आज सुबह सुबह राजू श्रीवास्तव के आईसीयू रूम में एक फैन जबरदस्ती घुस गया, जिसकी वजह से पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। और इसी के कुछ घंटों बाद एम्स के डायरेक्टर ने यह खुलासा किया कि राजू श्रीवास्तव की हालत बहुत गंभीर हो गई है। सवाल ये उठ रहा है कि इतनी गंभीर स्थिति में राजू श्रीवास्तव के कमरे में आखिरकार ये शख्स कैसे घुस गया। इसके साथ सवाल उन सिक्योरिटी गार्ड पर भी उठ जाता है कि आखिरकार कहां थे वो लोग उस वक्त जब राजू श्रीवास्तव की आईसीयू रूम में ये फैन सेल्फी लेने के लिए जबरदस्ती घुस गया। बता दें आपको कि बीते 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। तब से लेकर आज तक राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में राजू श्रीवास्तव के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, उन दुआओं का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि राजू श्रीवास्तव की जिंदगी पर सबसे बड़ा खतरा जो मंडरा रहा था वो हट चुका है। जी हाँ, उनका ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है और साथ ही उनके बॉडी के और भी ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से राजू श्रीवास्तव की जिंदगी पर यह बड़ा खतरा आ गया जब उनके आईसीयू रूम में एक शख्स अचानक से घुस गया। कहां था ये शख्स, कहां थे वो लोग जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी राजू श्रीवास्तव के जिंदगी की? आखिरकार क्यों राजू श्रीवास्तव की जिंदगी को इस तरह से खतरे में डाल दिया गया? आपकी इस पर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।